हे गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले गोस्ट राइडर वर्सेस हीट ब्लास्ट की बैटल के बारे में। और ये दोनों करैक्टर ऐसे करैक्टर है जो कि फायर को जनरेट कर सकते हैं और इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा ऑसम होगी। हीट ब्लास्ट बेंटन यूनिवर्स से बिलोंग करता है, वहीं पे हमारा ये जो गोस्ट राइडर है वो सोनी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम हर एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे हीट ब्लास्ट और गोस्ट राइडर में कौन ज्यादा पावरफुल है, और अगर आपस में इनकी बैटल होती है तो यहाँ पे विनर कौन होगा। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इन दोनों बैटल के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं इनकी पावर्स के बारे में। तो गोस्ट राइडर सोनी यूनिवर्स का एक ऐसा करेक्टर है जिसके पास हेल की पावर है, यानी कि हेल में जो हमें फायर देखने को मिलती है उस फायर को कंट्रोल करने की पूरी पावर जो है गोस्ट राइडर के पास है। अपनी पावर्स का यूज करके ये किसी भी व्हीकल को, किसी भी कार को या किसी भी एनिमल को उस पे सवारी कर सकता है अपनी पावर का यूज करके, वहीं पे फायर जनरेट कर सकता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी पावर मानी जाती है, जब ये किसी की आंखों में देखता है उस टाइम पे अगर कोई भी बंदा काफी ज्यादा गिल्टी है अंदर से, तो उस गिल्ट को फील करेगा और अपनी जान दे देगा। ये चीज हमें काफी बार में देखने को भी मिल चुकी है। वहीं पे हम बात करें हीट ब्लास्ट के बारे में, तो हीट ब्लास्ट बेंटन यूनिवर्स का करैक्टर है जिसके पास फायर जनरेट करने की पावर है। इसकी पूरी बॉडी फायर से बनी है, बिल्कुल गोस्ट राइडर की ही तरह। ये फायर को कंट्रोल कर सकता है, फायर को जनरेट कर सकता है और अपनी फायर का यूज करके आराम से इजिली फ्लाई भी कर सकता है, और इसकी स्पीड लेवल भी काफी ज्यादा है। तो इनकी पावर के बारे में बात करने के बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर इन दोनों करेक्टर के बीच कभी बैटल हो जाती है तो यहाँ पे विनर कौन होगा, तो मेरे हिसाब से अगर इन दोनों करेक्टर के बीच कभी भी बैटल होती है तो गोस्ट राइडर इस बैटल को इजिली जीत सकता है। हालांकि हीट ब्लास्ट का पावर लेवल भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर फायर की बात कर ली जाए तो हीट ब्लास्ट जो फायर जनरेट करता है वो नॉर्मल फायर होती है, जबकि गाइस गोस्ट राइडर जिस फायर को जनरेट करता है और कंट्रोल करता है वो हेल की फायर है, और हेल की फायर नॉर्मल फायर से काफी ज्यादा डेंजरस होती है। अगर अभी भी आप लोग एग्री नहीं करते कि यहाँ पे गोस्ट राइडर जो है हीट ब्लास्ट को हरा सकता है, तो मैं सिंपली आपको बता दूं तो गोस्ट राइडर एक ऐसा करेक्टर है जिसने इजिली गैलेक्टस तक को हरा दिया था अपनी पावर का यूज करके। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि गैलेक्टस इतना ज्यादा पावरफुल है। गैलेक्टस जो कि किसी भी प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको गोस्ट राइडर ने कुछ ही सेकंडों में हरा दिया था। तो यहाँ पे अगर इन दोनों करेक्टर की बैटल होती है तो मेरे हिसाब से गोस्ट राइडर इस बैटल को जीत सकता है, और हीट ब्लास्ट के मुकाबले गोस्ट राइडर का जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों करेक्टर में कौन इस बैटल का विनर होगा। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।